वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास वन सेमिस्टर टू सब्जेक्ट में चैप्टर फाइव टाइम यानी समय। हम इसमें समय के बारे में पढ़ेंगे कि समय क्या होता है, कैसे देखते हैं, घड़ी कैसे देखते हैं ऐसा। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर फाइव टाइम। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल द एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब हम इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली और लेटर, मतलब क्या जल्दी होता है क्या देर से होता है, हम इस चीज़ को समझेंगे, है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कितना लॉन्ग टाइम होता है कितना शॉर्ट टाइम होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, डे ऑफ वीक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सप्ताह के नाम यानी वीक यानी सप्ताह के नाम, मंथ नेम, ये सारे हम पढ़ेंगे। ओके, कैन आई हैव समथिंग टू ईट, earlier and later, yes Anna, but first you should wash your hand and have your food later. earlier मतलब हमें जल्दी उठना चाहिए, later देखो ये सो रही है, ये पिक्चर में बना हुआ है, ये later यानी देर से उठना है ना। write the what happened earlier and later for the happen later. okay, जैसे कि अगर हम कोई fruits लेते हैं तो पहले हमें उसे wash करना चाहिए, then after वी ईट समथिंग। ओके, और हम गेम खेलने जाते हैं तो अगर हम कोई भी आउटडोर गेम खेलते हैं बेटा, तो पहले हम गेम खेलते हैं, देन आफ्टर हमें अपने हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। और कहीं भी हम खेलते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े हम पहन के जाते हैं, तो हमें वो कपड़ों को निकाल कर उन्हें वॉशरूम में डाल देना चाहिए और उन्हें अपने हाथों को साफ़ कर लेना चाहिए। लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा, सीक्वेंस एंड ऑफ इवेंट इन अ डे, मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, आफ्टरनून यानी दिन, इवनिंग यानी शाम, नाइट यानी रात। तो पहले क्या आता है, मॉर्निंग, देन आफ्टर afternoon, then after evening, then after night. day of the week, इसमें हम day of the week सप्ताह के नाम पढ़ेंगे। sunday, sunday by sunday, monday by monday यानी सोमवार, sunday यानी रविवार, tuesday 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 यानी मंगलवार, Wednesday WEDNESDAY Wednesday, Thursday 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 यानी गुरुवार, FRIDAY Friday यानी शुक्रवार, SATURDAY Saturday, Saturday यानी शनिवार। हमारे पास वीक में कितने डे होते हैं, सेवन डे है ना, Sunday, Monday, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। राइट द मिसिंग डे, थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, देन सैटरडे। ओके, सैटरडे और संडे, मंडे, देखो इसमें जो मिसिंग है हमें वो फिल करना है। देखो संडे के बाद मंडे आता है और संडे के बाद पहले सैटरडे भी आता है, इसलिए हमने यहाँ सैटरडे फिल किया है। मंथ ऑफ अ ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। JANUAR वाई जनवरी, FEBRUAR वाई फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, मई, MA बाय मई, JUNE जून, JUL बाय जुलाई, AUGUST अगस्त, SEPTEMBA सितंबर, OCTUBE अक्टूबर, NOVEMBE नवंबर, DECEMBE दिसंबर। यानी हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर, 12 मंथ इन अ ईयर। A year has
365 डे एंड 52 वीक, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं और 52 वीक होते हैं यानी सप्ताह होते हैं। देयर आर 30 or 31 डेज इन अ मंथ, हाउएवर 2 मंथ ऑफ फरवरी हैज ओनली 28 or 29 डेज, यानी जो महीने होते हैं उनमें 30 or 31 डेज होते हैं, मतलब 30 or 31 डेज होते हैं, लेकिन फरवरी में 28 डेज ये 29 डेज होते हैं। राइट ऑन द मंथ इन विच ऑफ वी सेलिब्रेट द फॉलोइंग फेस्टिवल, रिपब्लिक डे, हम रिपब्लिक डे कब बनाते हैं? 26 जनवरी। इंडिपेंडेंट डे कब बनाते हैं? 15 अगस्त। क्रिसमस डे कब बनाते हैं? 25 दिसंबर। Write the time in each clock in the blank space below it. One has been done as an example. देखिए बेटा, हम इसमें टाइम देखना सीखेंगे कि हम टाइम कैसे देखते हैं। कोई भी सुई, अगर छोटी वाली जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल 10 पर है या 9 पर है या 6 पर है, अगर वो छोटे वाला कांटा अगर किसी नंबर पर है जैसे 5 पर है और बड़ा वाला 12 पर है, तो इसका मतलब हो गया 5 बज गए, है ना, 5 o'clock हो गया। जैसे इसमें छोटा वाला कांटा 10 पर है और बड़ा वाला 12 पर है, तो इसमें क्या हुआ है? 10 o'clock। सेकंड, छोटा वाला 2 पर है, बड़ा वाला 12 पर है, तो इसमें क्या हो गया? 2 o'clock। अगर हमारे दोनों कांटे 12 पर हैं तो इसका क्या मतलब है? 12 o'clock, यानी 12 बज गए। हमारा छोटा वाला कांटा 11 पर है, बड़ा वाला कांटा 12 पर है, इसका मतलब हमारा 11 o'clock हो गया। जैसा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर छोटा वाला किसी भी नंबर पर है और बड़ा वाला कांटा 12 पर है, तो वही टाइम हो जाता है जिस टाइम में छोटा वाला कांटा होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारा छोटा वाला कांटा 3 पर है और बड़ा वाला कांटा 12 पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? 3 o'clock, यानी 3 बज गए। इसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स से पूछना और घड़ी को देखना सीखना कि टाइम कैसे बजता है। ड्रॉ द हैंड ऑफ ईच क्लॉक टू शो द टाइम रिटर्न। बेटा इसमें आपका जो इसमें ड्रॉ तो है, इसमें हमको एरो ड्रॉ करने, मतलब हमें सुइयां बनानी है, जो वॉच की जो सुइयां हैं वो बनानी है। जैसे कि इसमें लिखा है 1 o'clock, तो 1 पर छोटा वाला कांटा और 12 पर बड़ा वाला कांटा। अभी इसमें लिखा है 6 o'clock, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, छोटा वाला कांटा हम 6 पर लगाएंगे, मतलब एरो जो हमें वो 6 पर बनाएंगे और बड़ा वाला 12 पर, तो हमारा क्या बच जाएगा? 6 o'clock। 9 o'clock, तो छोटा वाला हम 9 पर करेंगे, बड़ा वाला 12 पर करेंगे। 8 o'clock, छोटा वाला 8 पर करेंगे, बड़ा वाला 12 पर करेंगे। तो ऐसे हम आज क्या सीखा हमने? टाइम देखना, यह टाइम कैसे देखते हैं। आज हमको ये पता चल गया कि हम टाइम कैसे देखते हैं वॉच में, आज हमको आ जाएगा। आज हम ये पता करते हैं कि मंथ में कौन से मंथ में 30 डेज होता है, कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं। तो बेटा लेफ्ट हैंड देखिए और राइट हैंड देखिए, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसमें लिखा है। देखो ये उठा हुआ पार्ट होता है, उसे हम 31 में काउंट करते हैं। तो जनवरी, सेकंड फरवरी, फरवरी में बेटा 28 या 29 डेज ही होते हैं। मार्च 31 डेज, ये नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें 30 डेज का होता है, वो ऊपर वाला 31 डेज का। इसे आप केयरफुली रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके,